दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम सुमित जैन है। मैं मध्य प्रदेश के शहर धार शहर से हूँ और आज हम एक बढ़िया सी किट जो कि साइकिल की कन्वर्जन किट है उसके बारे में बात करने वाले हैं। दोस्तों इस किट के बारे में थोड़ा सा बताने वाला हूँ। ये जैसे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि यार हमें बढ़िया सी सस्ती किट चाहिए क्योंकि आपकी किट महंगी है, या बहुत सारे लोग अलग अलग तरह के क्वेश्चन करते हैं। तो आज जो मैं किट लेके आया हूँ वो आपके बजट में है, यानी कि उस आप इस किट को जब देखेंगे तो आप कभी इनकार नहीं करेंगे ये किट मुझे नहीं चाहिए। ये किट आपको अपने बजट में लगेगी और सबसे अच्छी बात है इसमें सभी सामान आपके प्लग एंड प्ले हैं, मतलब कोई सा भी सामान आपको वायर छीलने की काटने की ज़रूरत नहीं है। आप पिन टू पिन कनेक्ट करेंगे और बढ़िया इसमें 3 महीने की गारंटी हम इसमें मोटर की दे रहे हैं। तो आइए इस किट को देखते हैं और क्या क्या सामान हमको मिलने वाला है इस किट के बारे में हम जानते हैं। तो दोस्तों ये किट है, इस किट में क्या क्या सामान आएगा हम आपको दिखा देते हैं। पहले तो इसमें बढ़िया सी एक हब मोटर है, इसका वज़न लगभग 3.5 किलो के आसपास आएगा। प्योर कॉपर वाइंडिंग की ये मोटर आएगी और इसमें सबसे अच्छी बात है कि 3 महीने की वारंटी हमको इसमें मिलेगी, है ना। तो ये हब मोटर है, इसको हम अभी आपको टेस्ट भी करा के देखेंगे। यहाँ से इसको स्टैंड पर हम रख देते हैं। ठीक है, यह हब मोटर हो गई। इसके बाद यहाँ पर जो हमको मिलने वाला है कंट्रोलर है, आप देख सकते हैं यहाँ पर 36 वोल्ट 250 वाट का कंट्रोलर है और ये पूरी तरह से प्लग एंड प्ले वाला सिस्टम है। इसमें कोई भी सामान, कोई भी वायर छीलना या कोई भी किसी तरह का कोई इसमें कनेक्शन आपको समझ भी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं, सभी कलर टू कलर मैचिंग करना है। ठीक है, 36 वोल्ट 250 वाट का कंट्रोलर। इसके बाद इसमें एक बढ़िया सा पैडल एसिस्ट सेंसर है जो कि इस टाइप का जो है, जो कि इसमें 8 मैग्नेट सेंसर है। इसके बाद दो कट ऑफ लीवर मिलने वाले हैं जिसमें आप ब्रेक लगाते हैं तो मोटर को सप्लाई बंद कर देता है। इसके बाद एक अब हमको ये मिलने वाली है ये मोटर टू कंट्रोलर की कनेक्शन जो कि वाटरप्रूफ है, यानी कि मोटर में आपको कनेक्शन ये इस तरह से करना है और ये कनेक्शन तीनों, ये मेन कनेक्शन है और ये हॉल सेंसर के वायर हैं, तो ये कनेक्शन हम करके देखेंगे अभी। इसके बाद एक बढ़िया सी LED लाइट है, फोकस लाइट है। इसके बाद हमारे पास ये थ्रोटल है जिसमें यहाँ पे बैटरी इंडिकेटर लेवल दिखेगा और साथ में यहाँ पे की रहेगी, है ना, यहाँ पे की है यहाँ पे जिससे ऑन ऑफ होगा मोटर। तो इस तरह का एक क्वालिटी है और साथ में इसमें लेफ्ट ग्रिप आएगी डमी वाली। इसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पे हेडलाइट और हॉर्न का स्विच है उसको कंट्रोल करने के लिए, और यहाँ पे जो हमको मिलने वाला है वो ये कंट्रोल बॉक्स है। आप देख सकते हैं कंट्रोल बॉक्स है जो मार्केट में आपको नहीं मिलता है, इस किट में हम आपको दे रहे हैं। कीमत आपको जान के थोड़ी हैरानी होगी क्योंकि सबसे कम कीमत है। ये पूरे इसका सामान हमने खाली कर दिया है और साथ में ये हम मोटर को कवर करने के लिए 2 कपलर दे रहे हैं जिसमें मोटर के वायर पूरी तरह सुरक्षित रहेंगे, है ना। तो फटाफट से हम इसको जल्दी जल्दी कनेक्शन कर देते हैं प्लग एंड प्ले वाले। आपको मैंने बताया था मोटर में हमको एक कनेक्शन मिल रहा है जिसको हमको एरो टू एरो मिलाना है। यहाँ पे एरो लगा हुआ है राइट साइड में और लेफ्ट साइड में इस कपलर में एरो लगा हुआ है, तो एरो से हमको मिला दिया है, इस कनेक्शन हो गया है। इसके बाद आप देख सकते हैं मेन कनेक्शन में येलो ग्रीन तीन कलर इसमें, येलो ग्रीन एंड ब्लू। तो कंट्रोल में भी 3 कनेक्शन है, येलो ग्रीन ब्लू, तो हमको ये ग्रीन से ग्रीन मिला दिया है। इसके बाद येलो से येलो मिला दिया है, यहाँ पर ब्लू से ब्लू मिला दिया है। तो ये मोटर का कनेक्शन यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। अब बाकी कनेक्शन है इस पर लिख रखा है, थ्रोटल कनेक्शन लिख रखा है यहाँ पे, देखिए आप। ठीक है, तो थ्रोटल में हमारे पास जो पिन है वो ये वाली है। थ्रोटल में यहाँ पर एक निशान दे रखा है, इस निशान को इस निशान से मिलाना है। ठीक है, कनेक्शन होगा थ्रोटल का।
इसके बाद मोटर का हॉल सेंसर जो है उसमें 6 पिन वाला कनेक्शन है, हमको यहाँ पे इसको मिलाना है, ये मिल गया है, ठीक है। इसके बाद बैटरी के 2 वायर हैं जिसमें लाल से लाल और काले से काला अटैच होगा, बैटरी के वायर हम कनेक्शन कर देंगे आखिरी में। और ये हमारे लीवर के कनेक्शन है, कट ऑफ लीवर के, हम लीवर का एक कनेक्शन कर देते हैं, कोई से भी एक लीवर कनेक्शन हम कर देते हैं। ठीक है, और अब पेडल एसेंस सेंसर का कनेक्शन बचा हुआ है और लाइट का कनेक्शन बचा हुआ है, तो लाइट का कनेक्शन हम कर देते हैं ये वाला, और यहाँ पर हम कर देते हैं ये पिन का कनेक्शन, स्विच को कंट्रोल करने के लिए, और आखिरी में हम करते हुए हैं ये पेडल से सेंसर का कनेक्शन। पेडल सेंसर का जो कनेक्शन का इस पर लिखा हुआ है PAS, पेडल से सेंसर, और ये पेडल सेंसर यहाँ पे हमने कनेक्शन कर दिया है। ठीक है, सभी कनेक्शन हो चुके हैं, अब आखिरी में हम बैटरी कनेक्शन कर देते हैं, लाल से लाल और काले से काला। दोस्तों आप देख सकते हैं जैसे हमने कनेक्शन किया है यहाँ पे लाइट जल चुकी है, यानी कि कनेक्शन पूरा सही तरीके से हमने शुरू कर दिया है। देख सकते हैं यार मोटर यहाँ पे चलना शुरू हो चुकी है, यानी कनेक्शन हमारा सही हो चुका है, और ये पूरा किट हम आपको दे रहे हैं मात्र 6,200 रुपये में, साथ में हेडलाइट, हॉर्न, ये सभी सामान आप देख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, और ये पेडल सेंसर है यहाँ पे, जैसे मैंने बताया था आपको ये वाला, ठीक है दोस्तों। तो ये पूरा हम 6,200 रुपये में आपको पूरा ये किट दे रहे हैं, जिसमें कंट्रोलर बॉक्स, थ्रोटल, आपका हेडलाइट और हॉर्न, कंट्रोलर, आपका थ्रोटल, 2 कट ऑफ लीवर, ये सभी सामान है इस रेट में, और इस तरह की गारंटी से आपको सामान कहीं नहीं मिलेगा। आपको अगर चाहिए तो हमें फ़ोन कर सकते हैं, हमारा नंबर आपके स्क्रीन पर दिख जाएगा, और पूरा कनेक्शन आपको 6,200 में पूरा किट देंगे, इससे एक्स्ट्रा एक रुपये भी एक्स्ट्रा नहीं लिया जाएगा, 6,200 रुपये में। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू, धन्यवाद।